फतेहपुर जनपद के औंग थाना व कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बना डग्गा मार्ग सीएनजी बसों के साथ मारुति वैन का हब बन चुका है। डग्गा मार्ग सीएनजी बसों के साथ रोड में चलने वाले मारुति वैनों राज्य सरकार को जहां राजस्व की चपत लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर डग्गा मार्ग वाहन दिन प्रतिदिन हादसों को दावत दे रहे हैं, जहाँ कई बार हृदय विदारक सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। विगत कई वर्षों से सिवली नदी में मिस हुए सड़क दुर्घटना में एक दर्जन के करीब यात्रियों ने जहाँ जान गंवा दी, तो वहीं पर कई परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं सत्ता के प्रभाव के आगे प्रशासन ने दोबारा डग्गा मार्ग वाहनों को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद कई बार संचालन व बंद व शुरू हुआ। वहीं NH2 हाईवे पे डग्गा मार्ग वाहनों का आतंक इस कदर हावी है कि औंग चौराहे से हाईवे का आधा रास्ता बंद रहता है, जिनकी दबंगई की कहानी हाईवे से आने वाले रागीर बयां करते हैं, जहां पर कई बार क्षतिग्रस्त वाहन भी हो जाते हैं, लेकिन हाईवे पर डग्गा मार्ग वाहनों को आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जानकारों की माने तो स्थानीय प्रशासन की भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है, तो वहीं हाईवे पर मकर जाल की तरह बने अवैध स्टैंड स्थानीय पुलिस का सवालिया निशान बने हुए हैं, जहां पर जिम्मेदार मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में मेरा शहर मेरी समस्या स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन को नगर पालिका चूना लगा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में स्वच्छ भारत मिशन को नगर पालिका महोबा पलीता लगाती नजर आ रही है। अधिशासी अधिकारी एवं स्वच्छता अभियान अधिकारी मौन भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी जी की स्वच्छ सर्वेक्षण की योजनाओं में पलीता लगाकर गरीबों की काशीराम कॉलोनी राड रोड महोबा में कचरा फैलाकर मौजूदा हालत बयान कर रहे हैं। स्वच्छ महोबा सुंदर महोबा पर नगर पालिका महोबा पहले ही लाख दावे कर रही हो, आखिर क्यों ना हो रही हो काशीराम कॉलोनी राड रोड की सफाई, जहाँ पर महोबा नगर की काशीराम शहरी कॉलोनी राड महोबा में सीवर लाइन सीवर टे की गंदगी से जलापूर्ति पंप हाउस का पानी दूषित हो रहा है। वही गंदगी करण व अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका परिषद में कोई मुन्ना भाई कौन है जो कि नगर पालिका स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान कैसे पाई? अगर ऐसे सवालों में लोगों के जामने में जहां पर आखिर नगर पालिका परिषद अपनी पूरी टाल थोकती हुई नजर आ रही है, तो क्या वाकई झूठ है कि आंखों का देखा पूरा मामला काशीराम कॉलोनी शहरी रोड महोबा का है, जहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों के यहाँ सफाई की जाती है? TV1 इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं आशीष दीक्षित। TV1 इंडिया न्यूज पर हम आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ से सटे हुए नगर पंचायत टौंजा में। जी हां, कई ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहां पर किसी जंगली जानवर का आतंक है। कई ग्रामीण जो अपने खेतों में काम करते हैं, वो अपने खेतों पे मजदूरी करते हैं, गाय चराते हैं, उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को देखा है। और इस बाबत पर हमारे इटौंजा के संदीप शुक्ला जी, जो कि इटौंजा के ही निवासी हैं, उन्होंने वन विभाग अधिकारियों के पास फोन करके वन विभाग अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वन विभाग अधिकारी अभी मौके पर आए हुए हैं और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं कि वो जंगली जानवर कौन है जिससे हमारे नगर पंचायत टौंजा के निवासियों को खतरा है। अब हम आपको ले चलते हैं इस तरफ, एक ऐसे व्यक्ति की तरफ जिसने उस जंगली जानवर को अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ, रामचंद्र नाम का ये युवक अपने खेतों में काम कर रहा था, यहीं टौंजा मोहना रोड पर अपने खेतों में मजदूरी कर रहा था। इसके बाद उसने कुछ जंगली जानवर को देखा और वो सहम गया। तो हम चलते हैं, उससे बात करते हैं, उनकी बात जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कहाँ रहते हैं आप? हम इटौंजा में। यहाँ? अच्छा, इटौंजा में रहते हैं। तो भैया आप कब आए थे यहाँ पे? हम यहाँ पे कल शाम को चार बजे आए रहन खेतवा में यहाँ काम करे। अच्छा अच्छा। और हम जो है नहर जैसे पार करे हन, हाँ हाँ, वैसे हमका एक कोई जंगली जानवर दिखाई पड़ा हमको। अच्छा। तेंदुआ के जैसा जो है, हाँ, लग रहा था। हाँ हाँ हाँ। और हम फिर उसको डर के जो है आगे पीछे की ओर, हाँ हाँ, और फिर उसके बाद में जो है 10-20 लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा। और सब लोगों ने आए हैं और डंडा लेके और सब, हाँ, लोग यहाँ पे निशान पाए गए। अच्छा अच्छा। गए हैं। अच्छा। मगर ये नहीं पता चल रहा है कि ये निशान किसी। अच्छा 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 अच्छा। ये बताइए कि आपने कैसे उसको देखा, मतलब आप कहाँ पर थे? जैसे आप मजदूरी करते हैं खेतों में रामचंद्र जी, तो आप कहाँ पर थे, उसको कैसे आपने देखा? हम नहर के पास आए, एक नहर पड़ती है और वहाँ को जो है उसको पार करने जा रहे थे, बस तालाब था एक, वहाँ पे जो है बैठा था। अच्छा अच्छा। और फिर हम डर के इतनी तेज पीछे भागे हैं कि हम सीधे बस्ती में जाके पहुँच गए, फिर वहाँ से
20-25 लोग आए हैं डंडा लेके लाठी लेके और फिर यहाँ पे देखा गया तो वहाँ पे कोई जानवर नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, तो जी हाँ, हम आपको बता दें कि जैसा कि रामचंद्र जी बता रहे हैं कि उन्होंने तेंदुआ देखा और तेंदुआ उनको लग रहा था कि वो जो जंगली जानवर था वो तेंदुए जैसा था इनके कहने के अनुसार। फिर ये घर गए, इन्होंने कई ग्रामीणों को बताया तो 15-20 लोग आए और वो देखे। अब हम यहाँ के कुछ नागरिकों से बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले संदीप शुक्ला जी से। ये इटौंजा के ही निवासी हैं, इन्होंने ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस बात की सूचना दी जहाँ से वन विभाग के अधिकारी आए, तो हम चलते हैं कि इनकी क्या राय है। जी हाँ, क्या नाम है आपका? संदीप शुक्ला। अच्छा, तो जी आपको कैसे जानकारी हुई कि कोई जंगली जानवर आया है? हमको जानकारी क्या, दरअसल ऐसा हुआ कि हमारे कस्बे में ये पांडे टोला पड़ता है, वहाँ पे एक विशाल सोनी जी हैं। अच्छा अच्छा। उनके यहाँ पहले दिन जो है किसी अज्ञात जंगली जानवर ने अटैक किया जिसको किसी ने नहीं देखा। सुबह जब ग्रामीण जब कस्बे के मोहल्ले के लोग उठे तब देखा कि उनका जो जानवर था वो छत विछत अवस्था में पड़ा है। उसके दूसरे दिन फिर एक घटना हुई जिस एक आलोक पाठक डब्बू जी हमारे यहाँ, उनके यहाँ दो बछिया मृत पाई गई, मतलब छत विछत सौ उसके प्राप्त हुए, देखा गया लोगों के द्वारा। उसके बाद अभी दो दिन पहले जो है बनगांव पड़ता है हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे, वहाँ पे जानकारी मिली कि एक जो है बकरी जिसकी उम्र लगभग एक वर्ष रही होगी उसका सौ छत बिछत पाया गया, बल्कि ये आप मान लो कि उसका केवल सर पाया गया। तो मौके पे हमने जो है हम लोग वहाँ पे गए, वन रेंजर वन विभाग के अधिकारी आए थे, उनको लेके गए, उनको सारे मामले को दिखाया, अवगत कराया। और उससे पहले 7 तारीख को जब ये हमारे यहाँ कस्बे में घटना हुई तो हमने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की। हमारी शिकायत को प्रशासन ने संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद तुरंत उसने जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया और सारे अधिकारी मौके पे आए और आज भी वो सब आए थे यहाँ पे, पक्ष चिन्ह देख के गए हैं और आश्वासन देके गए हैं कि आप लोग जो है सतर्क रहिए और सरकार और हमारा जो वन विभाग है आपकी पूरी मदद करेगा और हम जो है इसको पकड़वाने में मदद करेंगे। जी हाँ, तो हम बता दें आपको, संदीप शुक्ला जी ने वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया था, वन विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने पर मौके पर जांच की तो उनको कोई जंगली जानवर लगने का अंदेशा हुआ है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं दूसरे ग्रामीणों की तरफ, क्योंकि कई लोग आ गए थे जो यहाँ के नागरिक हैं और इटौंजा के अच्छे नागरिक होने के साथ साथ अपना कर्तव्य भी निभाते हैं। तो हम चलते हैं उत्कर्ष जी के पास। उत्कर्ष जी हैं, जो उनकी क्या राय है, वो वन विभाग अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद थे, वन विभाग के अधिकारियों ने पूरी जाँच की, इस जाँच समीक्षा में वो उनके साथ रहे। तो आइए बात करते हैं उत्कर्ष जी से। जी हाँ, आपका नाम क्या है? उत्कर्ष नाम। अच्छा अच्छा, तो जी मतलब आपको कैसे जानकारी हुई इस चीज की? ये 4 तारीख को, 4 अप्रैल को हमारे घर के बगल वाले घर में एक गाय के बछड़े का शिकार हुआ। अच्छा। और जब मैं सो के उठा तो भीड़ लगी हुई थी, गया देखा तो थोड़ा सा वहाँ पे एक माहौल बना हुआ था, काफ़ी लोग आशंका कर रहे थे कि कुछ है कुछ है। मैंने उसकी फ़ोटो खींची और तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया। जी जी, 100 नंबर पे फ़ोन किया, वहाँ से डिप्टी रेंजर जो यहाँ के हैं वो आए, उन्होंने उस फोटो को हमारे जो चिड़ियाघर में डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला हैं उनको फॉरवर्ड किया। और उसके बाद उसके थोड़ी देर बाद हमको ये सूचना मिली कि जब जिस दिन आंधी आई है 28 या 29 तारीख को रात में, संभवतः 30 या 29 तारीख थी, उसी दिन रात में बगल के एक मोहल्ले में 2 बछिया किसी अज्ञात जानवर ने मारी हैं और उसके शिकार करने के तरीके से लग रहा था कि जंगली जानवर है। जब ये फोटो भेजी गई तो उन्होंने ये पुष्टि की कि ये किसी डॉग वैरायटी के जानवर द्वारा मारी गई बछिया है। उसके बाद हम लोग पक्षी ने ढूंढते रहे, पक्षी नहीं मिले। फिर एक सूचना मिली कि बगल के बनगांव में एक मारी गई है, वहां पे हम लोग गए। उससे पहले एक सूचना मिली कि होली के पहले एक बगल का तकिया पड़ती है इटौंजा की, इटौंजा का वार्ड नंबर 10 है, वहां पे 6 बकरियों का शिकार हुआ है रात में। लेकिन वहां पे जब ग्रामीण गए तो उनको कुत्ते बैठे मिले, तो वो कंफ्यूज हो गए कि कुत्ता है जंगली जानवर, बात दबी रह गई। लेकिन जब ये बात खुली तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह का शिकार हुआ है। आज सडनली कल की ये जब घटना है ये रामचंद्र जी को जब पता चला तो हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ से पगचिन्ह मिले, फिर हमने आसपास के केले के खेत में और आसपास के जो तालाब है वहां पे देखा, तो वहां पे आज सुबह के ताजे लकड़बग्घे की होने की संभावना वन विभाग अधिकारियों द्वारा बताई गई। अच्छा, जब उनके अच्छा। पक्षी हमने उनको फॉरवर्ड किया जी जी, तो जी। उनके द्वारा ये बताया गया कि ये डॉग वैरायटी का लकड़बग्घा संभव हो सकता है। आज रेंजर फॉरेस्टर
और डिप्टी रेंजर पूरी टीम वन विभाग की आई थी, वो जांच करके गई है। अच्छा उत्कर्ष जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप एक प्रमुख राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा आपकी क्या मांग है कि क्या किया जाए इसमें? जैसा कि आपने बताया है कि वन विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि करने के बाद ये कहा कि ये लकड़बग्घे के निशान है या हो सकते हैं, तो लेकिन आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? फॉरेस्टर्स जो यहाँ पे हैं, उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे एक पिंजरा लगाया जाए। अच्छा जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पोर्टल पे सूचना उसकी दी गई है, तो उसको भी वो गंभीरता से ले रहे हैं और इस कारण से उन्होंने ये निर्देश दिए हुए हैं। अब आगे जो स्थानीय अधिकारी हैं वो इसकी व्यवस्था करेंगे और उसके बाद जो भी फॉलो अप उनका होगा वो। तो हम आपको बता दें कि तेंदुआ ग्रामीण कह रहे हैं, तेंदुआ वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि लकड़बग्घे के निशान है और रामचंद्र जी ने देखा भी है। मैं आशा करता हूं कि वन विभाग के अधिकारी और सरकार इसमें कोई उचित कदम उठाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ आशीष दीक्षित की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज, लखनऊ।